नमस्कार, मैं यूसर्क साइंस स्टूडियो से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अभी शुरुआत में जीविकोपार्जन से संबंधित आपको कई लेक्चर्स हमने दिखाए हैं, और यहाँ पे उत्तराखंड में और भी जीविकोपार्जन के, यहाँ के जो हमारे किसान हैं या यहाँ के जो आर्टिसंस हैं, क्या क्या संसाधन हैं, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने आपको कीड़ा जड़ी के बारे में और एग्रीकल्चर में यहाँ पे क्या संभावनाएं हैं और उनका कैसे हमारी जीविका में योगदान हो सकता है, इस सब के बारे में हमारे जो सीनियर वशिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष नौटियाल जी ने आपको बताया है। उसी प्रकार से आज जीविकोपार्जन का जो एक मुख्य संसाधन हमारे उत्तराखंड में पाया जाता है वो है बैम्बू, जिसको कि हम बांस कहते हैं, और वो यहाँ पे उत्तराखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीविकोपार्जन का संसाधन हो सकता है। इस बांस के ऊपर हमारे कई किसान लोग व आर्टिसंस लोग उनकी पूरी जीविका या उनका पूरा जो लाइफ है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और वो इसके छोटे छोटे आर्टिकल्स बना के पूरे अपने गांव-गांव में बेचते हैं और उसको बेच के ही वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर पश्चिमी इलाकों में देखें तो वहाँ पे बांस का बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बांस होता है, और वहाँ पे बच्चे के पैदा होने से लेके लास्ट मृत्यु तक में बांस का उपयोग होता है। परंतु हमारे उत्तराखंड में अभी इसका इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है व उपयोग नहीं है। सिर्फ कुछ आर्टिसंस जो कि इसका प्रोडक्ट्स को बना के अपना निर्वाह करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ इसके कंजर्वेशन का भी इतना ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ही अभी कुछ सालों से इसके कंजर्वेशन और प्लांटेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो हमें ये जो बांस है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है, क्योंकि इसको हम ग्रीन गोल्ड के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा इनकम हो सकती है। अगर हम देखें, अगर फॉरेन में और अन्य कंट्री के कंपैरिजन में देखें तो इससे इसके 2000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो क्या उत्तराखंड भी हम दूसरे स्टेट को इस तरह से इस संसाधन में कम्पीट कर सकता है, इसके बारे में हमारे बीच में आज वशिष्ठ वैज्ञानिक जो वरिष्ठ वैज्ञानिक यहाँ पे डॉक्टर सुभाष नौटियाल जी बैठे हैं। सर, आपका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इस बांस के बारे में हमारे जितने भी श्रोता हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनको विस्तृत जानकारी यहाँ पे उपलब्ध कराएं। थैंक यू डॉक्टर मंजू। बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो बांस है, आप लोग सब लोगों ने सुना होगा किस तरह से बांस की विभिन्न प्रजातियों से हम गाँव में और अपने उत्तराखंड में इसको जीविकोपार्जन का साधन बना सकते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बांस जो है, जिसको कि ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, पुअर मैन्स टिम्बर भी इसको कहते हैं, गरीब आदमी की लकड़ी, और इसको मिरेकल ग्रास भी कहते हैं। ये एक पेरिनियल घास प्रजाति के पौधे हैं, और इसमें यह है कि घास की होने के बावजूद भी ये ट्री फॉर्म में या पेड़ों के फॉर्म में होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े आपने जैसे डेंड्रोकैलमस जाइजेंटियस है, वो लगभग 120 फीट तक की ऊंचाई ले लेता है। तो बहुत बड़े ट्री फॉर्म में ये घास है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये पेड़ हम इसको कहें या घास कहें। तो ये हरा जो है सोना है, क्योंकि बांस की काफ़ी आइटम्स, 400-500 आइटम्स वर्ल्ड ओवर इसकी बनती हैं, बनाई जाती हैं, और कई तरह के जो ट्राइब्स हमारी कम्युनिटीज हैं वो इस पर निर्भर करती हैं। और गरीब आदमी का टिम्बर इसके लिए इसको कहा जाता है, क्योंकि जितने भी गांव में जो कच्चे मकान हैं, छप्पर हैं, और कई जगह जो है जहां पर वाटर लॉगिंग हो जाता है बरसात में, वहां पर जो गरीब लोग हैं वो अपनी झोपड़ियां बांस की बनाते हैं और उसको ज़मीन से ऊपर रखते हैं।
तथा छप्पर छाने के लिए जो घास है उसके नीचे जो है बांस की राफ्ट सपोर्ट्स लगाई जाती हैं। तो गरीब आदमी के लिए उनका ये टिम्बर है, क्योंकि सस्ते से सस्ते में गरीब आदमी इसका इस्तेमाल करके अपना काम चला सकता है। और इसको मिरेकल ग्रास इसलिए कहते हैं कि यही एक घास है जिसका कि इतना डाइवर्स यूज है। और आज के ज़माने में जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम सब जानते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको कैसे कम करें, उस पर जो है बात हो रही है। तो ये जो बैम्बू की प्रजातियां हैं ये बहुत फास्ट ग्रोइंग है, और जो भी मटेरियल जो भी प्रजाति फास्ट ग्रोइंग होगी, जल्दी से उगेगी, वो उतना ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा भोजन बनाकर उसको जो है वो बायोमास के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो एज ए कार्बन सिक्वेस्टर बेम्बूज आर कंसिडर्ड टू बी द टॉप स्पीसीज। तो इसको इस परिपेक्ष में भी आज देखा जा रहा है। ये नेचर की बड़ी भारी जो है हम लोगों के लिए बेम्बूज गिफ्ट है, और बहुत सारे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उसमें एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, बहुत सारे लोग अपने हाउसिंग के लिए और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए इसका उपयोग करते हैं। बैम्बू का जो उपयोग है वो पेपर एंड पल्प में और डोमेस्टिक कमोडिटीज में, कॉटेज इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग है। आपको मैं ये भी बता दूं कि बैम्बू के जो यंग शूट्स हैं उनको एज ए वेजिटेबल खाया जाता है, उनको जो है प्रिकल बना के खाया जाता है, और साउथ ईस्ट एशिया में के बहुत सारे देशों में बैम्बू को एज ए फूड इस्तेमाल किया जाता है। इन एडिशन टू दिस, इसमें जो है आजकल बांस के कपड़े भी बनने लग गए हैं, और उसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बैम्बू के जो कपड़े हैं वो आज के दिन में सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े हैं, और लोग इसको एज ए सिंबल ऑफ स्टेटस भी मानते हैं। तो बैम्बू का एक कल्चरल जो हमारा ट्रेडिशंस हैं, कई जगह जैसे बैम्बू डांस होता है, बैम्बू के म्यूजिक में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, बांसुरियाँ इसकी बनती हैं, तो ये जो इसका कल्चरल एस्पेक्ट है उसे भी बैम्बू हमसे जुड़ा हुआ है। अगरबत्ती की स्टिक्स जो हैं इसकी बनती हैं, तो ये हमारे कल्चर से भी ये काफ़ी जुड़ा हुआ है। बैम्बू की पूरे संसार में लगभग 1200 प्रजातियां हैं, और हमारे देश में लगभग 136 बैम्बू की प्रजातियां हैं, और लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर एरिया में हमारे देश में बांस लगा हुआ है। सबसे बड़ा बांस जो है वो, या सबसे ऊंचा जो हम बांस है वो जाइजेंटियस है, डेंडोकैलामस जाइजेंटियस, जो कि मैंने बताया कि इसकी हाइट जो है 120 फीट तक जो है चाइना में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हमारे जो पहाड़ हैं उसमें बांस में ज़्यादातर तो डेंडोकैलामस स्टिक्टस है, और इसमें बैम्बूसा वल्गैरिस है जिसकी 2-3 प्रजातियां हैं, जैसे हरी वाली है बैम्बूसा वल्गैरिस ग्रीन, एक पीला बांस होता है बैम्बूसा वल्गैरिस वैरायटी स्ट्रियाटा, एक वामनाई भी होता है जिसको लोटा बांस कहते हैं, और भी बहुत सारी प्रजातियां बांस की हैं। पर रिंगाल जो है उसकी मुख्य जो है वो 4 प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं, जिसमें कि देव रिंगाल मुख्य है, गोल रिंगाल है, सौड़ा रिंगाल है, और देव रिंगाल, गोल रिंगाल, सौड़ा रिंगाल और एक और प्रजाति है, मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा। इनके बहुत सारे उपयोग जो हैं उपयोग हमारे पहाड़ों में होते हैं,
जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि इसमें जो है वो टोकरी बना रहे हैं लोग, तो ये जो घास लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, इवन कई उत्तरकाशी और चमोली डिस्ट्रिक्ट में, मुंशियारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोग जो है वो पानी भी जो बल्टे हैं या गागर हैं उसको सोल्टे में पीछे टोकरी में लाके पीट कर लाते हैं, घास उसमें लाते हैं, लकड़ी उसमें लाते हैं और कई तरह के आइटम्स में वो काम आते हैं। तो और रोटी रखने के लिए टोकरियाँ जो है उसकी बनाई जाती हैं। स्टोरेज जो एग्रीकल्चर का है उससे किया जाता है। तो ये बहुत सारी प्रजातियाँ जो हैं वो रिंगाल की, बहुत सारे उपयोग पहाड़ों में इसके होते हैं और जो हमारा रिंगाल है वो उसमें उपयोग में होता है। बच्चों एक बहुत बड़ी समस्या इसके प्रोपोगेशन की आती है, क्योंकि हर साल बांस में सीड होता नहीं है, बीज होता नहीं है, इसकी जो गेस्टेशन पीरियड है जो सीडलिंग से और फिर सीड बनने तक जो उसकी साइकिल है वो कई कई बार तो 30 30 40 40 50 50 60 60 साल ले लेती है। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाली बात है वही एकमात्र ऑल्टरनेट हम लोगों के पास रहता है, क्योंकि बांस जो है वो बिना बीज के हम सीडलिंग नर्सरी में नहीं उगा सकते हैं। तो जिस समय भी इसमें बीज बनता है तो उसमें एक मैकेनिज्म है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कि भाई वो तुरंत सारे डिपार्टमेंट को अपने बता दे पूरे कंट्री में कि भाई यहाँ पर फलाना फलाना स्पीशीज प्रजाति जो है वो फ्लावरिंग में है, क्योंकि जब बांस की कोई भी प्रजाति फ्लावरिंग में आती है तो इंटायर फॉरेस्ट गोज फॉर फ्लावरिंग। उसमें जो फ्लावरिंग होती है उसको हम ग्रेगेरियस फ्लावरिंग कहते हैं। तो ये जो ग्रेगेरियस फ्लावरिंग है जब होती है उसके बाद सीड सेटिंग होती है और पूरा सीड डिस्पर्स होने के बाद पूरा फॉरेस्ट ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है। ये घास की जो है वो जेनेटिक करेक्टर है कि एक बार अगर उसमें फ्लावरिंग हो गई और सीड सेटिंग हो गई तो उसके बाद वो मर जाता है। तो इसके बाद हमें जब खूब प्रचुर मात्रा में सीड हमारे पास होता है तो उसको कलेक्शन किया जाता है बहुत जल्दी और तुरंत उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे फॉरेस्ट डिविजन्स में जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसकी वाइबिलिटी भी शॉर्ट होती है। मतलब बीज को आप बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रख सकते, 3 4 5 महीने में, 6 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 साल के लिए जिंदा रख सकते हैं। उसके बाद ऑर्थोडॉक्स सीड होने के बावजूद भी बांस का सीड जल्दी मर जाता है, इसलिए जल्दी से इसको जितना जल्दी हो सके कलेक्ट करके विभिन्न नर्सरीज में भेज दिया जाता है ताकि लोग अपने मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सीडलिंग उगा सकें। पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बांस में जो सीड है वो बहुत लंबे समय बाद मिलता है, तो कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो कायिक प्रजनन की कई विधियां इसमें डेवलप की गई हैं, जिसमें सबसे पहली है राइजोम ऑफसेट प्लांटिंग। इसमें क्या होता है, ये नेचुरली जो है बांस बढ़ता रहता है और इसमें नए नए कल्ले, जिसको हम टिलर कहते हैं, ये कल्ले हर साल नए आते हैं बरसात में और इसका जो क्लम्प है वो बढ़ता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि बांस में कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि बांस का जो कल्म की थिकनेस है, जो मैच्योर क्लम्प है, जो मैच्योर जिसका झुरमुट है बांस का, वो एक झटके में जब बरसात होती है तो नए सूट छोड़ता है और वो अपनी हाइट जो है, चाहे 20 मीटर है, चाहे 10 मीटर है, 15 मीटर है, जितना भी है, वो एक साल में ही, एक ही ग्रोइंग पीरियड में, पूरे बरसात में ही पूरा हाइट ग्रहण कर लेता है। और इसकी जो थिकनेस है, जो इसकी गोलाई है, वो भी जो है इनिशियल जब सूट बनता है उसी में इसकी गोलाई आगे बढ़ जाती है, पूरी की पूरी गोलाई जो है
वो इनिशियल स्टेज में ही आती है, जबकि और ट्रीज में धीरे धीरे पौधा मोटा होता है। और बांस में कई जगह रिकॉर्ड किया गया है कि इसकी ग्रोथ 1 मीटर तक 24 घंटे में हो जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें फीचर है। तो इसके जो प्रोपोगेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि जो बांस का क्लंप है उसमें से कल्म, एक एक जो बांस की डंडी है उसको कल्म कहते हैं, जो पूरा झुरमुट है उसको क्लंप कहते हैं। तो उस क्लंप को हम क्या करते हैं कि साइड से खोद करके कुछ उसकी जड़ के साथ, क्योंकि इसमें ऊपर का सूट है और राइजोम इसमें होता है जिससे कि और दूसरे क्लंप निकलते हैं, कलम निकलते हैं, तो उसको जो है हम उखाड़ करके, और जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है उसको उखाड़ के ऊपर से 2-3 नोड्स इसके काट के, इंटर नोड छोड़ के, और फिर इसको राइजोम के साथ, रूट के साथ अलग अलग कल्ले इसके निकाल देते हैं, और फिर उनको बोरों में या थैलों में लगा करके और मिट्टी के साथ बरसात में रख देते हैं। जब इसमें नए राइजोम की फुटान हो जाती है, जड़ डेवलप कर जाती हैं, सूट निकल जाता है, तो दूसरे बरसात में हम इसको जो है वो प्लांटिंग साइट पे लगा देते हैं, जहाँ भी प्लांटेशन करनी होती है, और वो जो है फिर नए सूट्स अगले साल से निकालना शुरू कर देता है। तो ये बहुत कॉमन मेथड है प्रोपोगेशन का, बैम्बूज का, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये बहुत लेबर ओरिएंटेड है, मनी जो है इसमें पैसा लगता है, क्योंकि इसको खोदना और उसको फिर अलग अलग करना काफ़ी लेबर इंटेंसिव है। इसलिए और मेथड्स इसमें प्रयोग में लाए गए हैं और मेथड्स डेवलप किए गए हैं। उसमें क्या है कि जैसे पूरे कॉलम को, जो पूरा लंबा डंडा है बांस को, उसमें नीचे गन्ने की तरह ज़मीन में बिछा दिया जाता है, और उसके ऊपर मिट्टी रख के पानी उसमें लगातार अगर हम देते रहें तो बरसात में उसमें जो नोड्स हैं, नोड से जो है उसमें रूटिंग और स्प्राउटिंग हो जाती है। फिर उसको रूटिंग और स्प्राउटिंग वाले नोड्स को अलग अलग काट दिया जाता है, और वो अलग थैलों में लगा करके मिट्टी, खाद और बालू के मिश्रण को 2, 1 और 1 भाग के में मिला करके, जो पॉटिंग मिक्सर है उसको बना के लगा दिया जाता है, तो वो अलग अलग पौधे बन जाते हैं। इसमें बाई नोडल कटिंग, सिंगल नोडल कटिंग, इस पे ट्राई नोडल कटिंग पे काफ़ी काम हुआ है, उनको गन्ने के जैसे जो है विभिन्न पार्ट्स में काट दिया जाता है, और काटने के बाद उसको जो है वो हम ज़मीन में या क्यारियों में जो उठी हुई रेज्ड बेड्स हैं उसमें लगा देते हैं, और 2-3 महीने के बाद उसमें कल्ले फूल जाते हैं, रूट्स इनिशिएट कर जाती हैं नोडल पोर्शन से, और फिर हम उसको दरांती से काट के वो जो नया पौधा है उसको हटा देते हैं। जैसे कि फिगर में देख रहा है, जो आपका चित्र है या जो फोटोग्राफ्स है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें नोड से इसकी फुटान हो रही है, और फिर हम ये अलग पॉलीथीन में लगा के या सीधे प्लांटिंग साइट में लगा के इसको प्रोपोगेट कर देते हैं, ये नया पौधा बन जाता है। एक और तकनीकी है जिसको हम मैक्रो प्रोलीफरेशन कहते हैं, ये बांस में FRI में ने डेवलप की है। इसमें क्या है कि जो बांस का बीज एक बार जब हमको मिलता है तो उसको जो है वो एक बार पॉलीथीन में लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 3-4 महीने बाद 5-6 टिलर्स कल्ले जो है उसमें फूट जाते हैं, राइजोम डेवलप करता है और 5-6 कल्ले उसमें बन जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हर कल्ले को हम बाद में ये पॉलीथीन हटा के इसके हर कल्ले को एक बीज से लगभग आप जैसे चित्र में देख रहे हैं कि 5-6 टिलर्स बन गए हैं, तो हर टिलर को सिकेचर से काट के थोड़ा सा उसमें राइजोम और रूट का पोर्शन लेके वो अलग अलग जो है उसको कर देते हैं, और अलग अलग थैलियों में फिर उसको लगा देते हैं।
इससे क्या होता है, एक बीज से एक बार में 6-7 पौधे बन जाते हैं, फिर उसको वैसे ही लगा देते हैं और वो फिर से उसमें टिलर्स पैदा होते हैं। तो एक साल में एक पौधे से लगभग 36 से एक बीज से 36 से 40 पौधे हम बना सकते हैं। और इसको अगर आप लगातार अलग कर रहे हैं टिलर्स को, तो इसकी मोटाई नहीं बढ़ती है, ये इसमें टिलरिंग होती रहती है। तो आपने साल में जैसे आपके पास 1,000 बीज हैं, तो आप 50,000 पौधे बना सकते हैं। 40,000 पौधे आप बेच दीजिए, किसानों को दे दीजिए, और 10,000 पौधे को फिर मल्टीप्लाई करके आप दूसरे साल 1,00,000 पौधे बना सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रक्रिया है, जैसे कि फिगर्स में दिखाया गया है, कि कैसे आप उसको अलग अलग करके अलग अलग थैलियों में रखेंगे और फिर से उसी तरह से टिलर पैदा होके नए नए पौधे बनाते रहेंगे। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसके द्वारा आप पौधे बना सकते हैं। एक और विधि जो है वो बांस के प्रोपोगेशन की FRI ने डेवलप किया है, उसको कहते हैं नोडल शूट कटिंग। नोडल शूट कटिंग में यह है कि जो बिल्कुल बारीक ब्रांचेज हैं उनको जो है वो उसमें कर दिया जाता है, जो हमारा उसके लिए मिस चेम्बर की जरूरत होती है, और उसको जो है वो वर्मिकुलाइट एक मीडिया आता है उसमें हम लगाते हैं। और कई बार हम IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जो रूटिंग हार्मोन है उसका इस्तेमाल करते हैं, पर अगर नहीं भी है तब भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है रूटिंग हमको कटिंग की मिलती है। ये शोध के द्वारा हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है। और इससे भी आप एक ट्रे में, जो कि 1 फीट बाई 1.5 फीट की ट्रे में लगभग 200 कटिंग आप लगा सकते हैं, जिसमें लगभग हमको 100 से 150 पौधे कटिंग से रूटेड कटिंग मिल जाती है। और वो 150 पौधे फिर हम जब वो रूट कटिंग में रूटिंग और स्प्राउटिंग हो जाती है तो उसको पॉली बैग में ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी आपको फिगर में दिखाया गया है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा कि आप बैम्बू की किसी भी प्रजाति का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं और पौध इसकी आप बना सकते हैं। तो इसके द्वारा आप किसानों को प्लांटिंग मटेरियल हर साल मुहैया करा सकते हैं। अब कुछ स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें इसके उपयोग के बारे में बताया गया है। देखिए, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इसमें बहुत सारे जो बांस की प्रजातियां हैं उनके कितनी तरह के आप आइटम्स बना सकते हैं। इसमें ये आइटम्स हैं जिसमें कि आपने टेबल लैम्प बनाए हुए हैं, और लाइट के डिफरेंट शेड्स के लिए आपने कुछ आइटम्स बनाई हुए हैं, ये टोकरियाँ जो हैं विभिन्न प्रकार की बनाई हुई हैं। देखिए, हमारे देश में नहीं, और भी देशों में इस तरह की कोई गोल टोकरी है, कोई विभिन्न तरह की जो है टोकरियाँ आपको इसमें दिखाई दे रही हैं, और भी आइटम्स आपको ट्रेज वगैरह दिखाई दे रही हैं। ये विभिन्न तरह के आइटम इसमें बैम्बू स्टिक्स भी हैं, लाठी जिसको कि आम आदमी इस्तेमाल करता है, इसके आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि बैम्बू की बियर भी जो है वो चाइना बना रहा है, इसमें भी इसका बड़ा भारी यूज है, स्कोप है। और बैम्बू के बॉक्सेज जो है वो बन रहे हैं, ये स्लाइड में आपको दिख रहा है। जहाँ पर पानी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है ट्रॉपिकल कंट्रीज में, वहाँ पर लोग इसके ब्रिजेस बनाते हैं, छोटे छोटे पाथ, ताकि अगर बीच में पानी भरा हो तो अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे। इसमें बैम्बू ब्रिजेज आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये दो जो स्लाइड आपको है इसमें बैम्बू का फर्नीचर, जिसमें कि डाइनिंग टेबल है, जिसमें कि लॉन टेबल चेयर्स हैं, छोटी टेबल्स हैं, बुक रैक्स हैं, और पार्टीशन है, प्लस डोर्स हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्लाइड है बच्चों, इसमें देखिए बांस के, जैसे मैंने बताया कि आजकल बांस के फाइबर के कपड़े बन रहे हैं, तो ये जो बैम्बू के कपड़े हैं ये आज के दिन में सबसे महंगे ये बिकते हैं, और लोग इसे स्टेटस सिंबल कह के जो है खरीदते हैं, और बहुत अच्छे पैसे इसमें किसानों को मिल सकते हैं। ये जो स्लाइड है इसमें और हैंडीक्राफ्ट्स जो है दिख रहे हैं आपको, किस तरह से जो है पेन स्टैंड
और टावर स्टैंड लोग बनाते हैं बांस का। ये स्लाइड जो है इसमें जो कोरोगेटेड शीट्स हैं, जो रूफिंग के लिए शीट बनाई जाती हैं, उसमें जो सिंथेटिक मटेरियल के साथ बेम्बू का फाइबर इसमें ऐड किया जाता है, इससे इसकी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें भी काफ़ी इसके का उपयोग हो रहा है। बेम्बू के मॉइस्चराइज क्रीम्स और शैम्पूज वगैरह भी आज की डेट में बाजार में आ रहे हैं, बन रहे हैं। और बांस का तो जो बहुत पहले भगवान कृष्ण के टाइम से जो बांसुरी का आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण बजाते थे, उसमें बांस का उपयोग होता है। आज भी वो बहुत सारे आइटम्स इसके बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। बैम्बू की फ्लोरिंग आज बहुत कॉमन आपको दिखेगी और मिलेगी। कंस्ट्रक्शन में बैम्बू का बहुत उपयोग है, क्योंकि ये लाइट होता है, स्पेशली हमारे माउंटेन्स में जहाँ पर कि अर्थक्वेक्स और ऐसे बड़े डिजास्टर हमारी हिस्ट्री में हुए हैं। तो ये जो बैम्बू के कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अर्थक्वेक में टूटते नहीं हैं इनके स्ट्रक्चर, इसलिए उन एरियाज के लिए जहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में इसका बड़ा भारी उपयोग है। बैम्बू की फेंसिंग वगैरह भी बनती है, और भी तरह से जैसे ये बैम्बू टाई साइकिल भी किसी ने बनाई है, इस तरह से बैम्बू का बहुत सारे उपयोग हैं। और कैसे हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को नर्सरी की ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रोपोगेशन कैसे करें, क्या इसकी कैसा अच्छा से अच्छा बैम्बू के आपको क्लम्स हो, उसके लिए क्या सिल्वीकल्चर होगी, सीजनल ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टोरेज कैसे करें, क्योंकि ये पेरिसेबल भी होता है, अगर पानी लग गया तो फिर 4-5 साल से ज़्यादा एक बैम्बू चलता नहीं है। तो ट्रीटमेंट कैसे करें ताकि लंबे समय तक आप बैम्बू के स्ट्रक्चर को रख सकें, सीजनिंग इसकी कैसे हो, यूटिलाइजेशन में वैल्यू एडिशन कैसे हो, इन सब चीज़ों को के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम रिंगाल, क्योंकि हमारा इतना महत्वपूर्ण पौधा है, उनकी प्रजातियों को हम अपने उत्तराखंड में कैसे बढ़ावा दें, इस पे जोर देने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरी में इसका प्रोपोगेशन किया जाए और किसानों को ये मटेरियल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी फैमिलीज इसका लाभ उठा सकती हैं। और आज जैसे मार्केटिंग की सुविधा रोड हाइड पे सब जगह है, काफ़ी यात्री हमारे उत्तराखंड में आते हैं और वो एक सौविनियर के रूप में बैम्बू के आइटम्स ले आते हैं। तो अगर वो उसकी सप्लाई अच्छी हो तो लोगों को अच्छा इसमें पैसा मिल सकता है। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने बांस के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसमें सर एक दो क्वेरीज थी कि यहाँ के जो हमारे आर्टिसंस हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या इनका कुछ मार्केटिंग भी है, कुछ कॉमर्शियल लेवल पे बनाते हैं या सिर्फ वो एक विलेज लेवल पे ही उनके प्रोडक्ट सीमित हैं? डॉक्टर मंजू, ऐसा है, बांस जो हमारे उत्तराखंड में है और जिसके बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, वो विशेषतर रिंगाल की चार मुख्य वैरायटीज हैं, देव रिंगाल, थाम रिंगाल, गोल रिंगाल एंड सोना रिंगाल। ये हमारे उत्तराखंड में बहुत होता है और इसके एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें से टोकरियाँ हैं, सोल्टे हैं, और अनाज को स्टोर करने के कंटेनर्स हैं, सूप है, तथा कुछ जो हमारे गांव में लोग बिछाने में, जिसको कि हम मैट कहते हैं या तेतली भी लोग इसको कहते हैं, वो भी इसे बनाई जाती है, इसके पार्टीशंस जो है वो बनाए जाते हैं, और बहुत सारे आइटम्स जो है रिंगाल के बनाए जाते हैं। और जीविकोपार्जन के लिए ये बहुत बड़ा साधन हो सकता है, इसलिए वन अनुसंधान संस्थान ने बैम्बू बोर्ड की मदद से जो है कई प्रोजेक्ट चलाए हैं, और इसमें रिंगाल का मैक्सिमम किस तरह से प्रोपोगेशन हो, कैसे किसान जो है उसको अपने खेतों में लगाएं, क्योंकि जंगल से अब रिंगाल लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस पर कई जगह जंगल में घुसने से बैन है। तो किसान कैसे
अपने खेतों पे लगाकर इसको एग्रो फॉरेस्ट्री में किस तरह से इसका प्रोपोगेशन करें, कैसे इसका विकास करें, और फिर वो रिसोर्स जो वो अभी तक जंगल से लाते हैं वो उनके खेतों में ही पैदा हो, इसकी कोशिश की जा रही है। मूसा सर, इसके इसका प्रोपेगेशन किस तरह से किया जाता है बांस का? हाँ, बांस में चूंकि ये एक घास की प्रजाति है और इसमें जो सीड फॉर्मेशन है वो हर साल नहीं होती जी। और जब बीज हर साल नहीं बनता तो नर्सरी के लिए हम सीडलिंग हर साल नहीं उगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती बांस में है और कई कई प्रजातियों में जनरली इसका जो सीड बनता है वो 20 से 60 साल में बनता है जी। क्योंकि इसकी जो अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार बनता है, अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार ये सीड फॉर्म करता है और उसके बाद पूरा क्लम्प्स जो है पूरा फॉरेस्ट मर जाता है जी। तो जो सीड फॉर्मेशन है वो बहुत समय बाद इसमें मिलती है, इसलिए वन अनुसंधान संस्थान और अन्य कई संस्थाओं ने इसके किस तरह से इसका वैज्ञानिक रूप से इसका प्रोपोगेशन किया जाए उसमें मोस्टली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। पहले ये माना जाता था कि भाई बांस जो है वो चूंकि घास की प्रजाति है इसमें रूटिंग और कटिंग इतनी आसान नहीं होगी, पर अब जो है कई प्रयोग करने के बाद कई टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई है जिसमें से कि कलम कटिंग है, ब्रांच कटिंग है, नोडल शूट कटिंग है, इसके द्वारा भी हम काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोपोगेटिव जो प्रोपोगेशन के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल है वो बना सकते हैं। और इसके बारे में जैसे हमने दिखाया भी है कि कई अब जो है विधियाँ, वैज्ञानिक विधियाँ इसके प्रोपोगेशन के लिए तैयार की गई हैं और FRI में उसमें मैं भी एक कंपोनेंट रहा हूँ, पार्ट रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का। उसमें जो है वो हिल बैम्बूज का, रिंगाल्स का एक बहुत बड़ा जर्म प्लाज्म बैंक बनाया गया है खिरसू में जो पौड़ी के पास है, और वहाँ पर से जो है वो वैज्ञानिक विधि द्वारा विभिन्न प्रजातियों का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। कुछ प्रजातियाँ नॉर्थ ईस्ट से भी लाई गई हैं क्योंकि हमारे यहाँ 4 या 5 ही रिंगाल की प्रजातियाँ हैं और इसको जो है वन अनुसंधान संस्थान बढ़ावा दे रहा है। तो वो अब आने वाले समय में हमारे पास रिंगाल की अच्छी प्रचुर मात्रा में किसानों के लिए और काश्तकारों के लिए ये अवेलेबल होगा जी। सर, आखिरी में यही पूछना चाह रही थी आपसे कि यहाँ पे जैसे बांस के या रिंगाल के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं हमारे, लेकिन कमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा इनका यूज नहीं होता है, अगर उनकी कैसे और ज़्यादा अर्निंग हो सकती है इन प्रोडक्ट्स से, तो इसके लिए सर क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से अदर डिपार्टमेंट्स हमारे आरटी सर्विस को हेल्प कर सकते हैं? हाँ, इसमें जैसे कुछ आपने सुना होगा जब बदीना जाते हुए पीपल कोटी एक जगह है, वहाँ पर आपको बहुत सारे इसके आइटम्स मिलेंगे, खासकर टोकरियाँ जो रोटी रखने के लिए, फल रखने के लिए है, विभिन्न प्रकार के डेकोरेटिव आइटम्स हैं। ये वहाँ पर रिंगाल की एक सोसाइटी है वो काफ़ी मात्रा में बनाती है और वहाँ पर जब यात्रा चलती है तो लोग उसे अपने एक सोवेनियर के तौर पर वहाँ से खरीद के अपने घरों में ले जाते हैं। इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इस ये जो आइटम है इसको बढ़ावा देने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर इसको एग्रो फॉरेस्ट्री में माउंटेन्स में काफ़ी मात्रा में लगाया जाए तो इससे न केवल ये जो किसानों की आमदनी आइटम्स बनाने से होगी बल्कि इसके और भी कई अन्य उपयोग हैं जो घरों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे जो है उनका लाइवलीहुड जो रिसोर्स है वो बढ़ सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरीज तैयार करना, लोगों को प्रोपोगेशन के लिए इसमें ट्रेनिंग देना और वो जो प्लांटिंग मटेरियल है अच्छा वाला जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है वो किसानों को उनके खेतों में लगाने के लिए, खेतों की मेड़ों पे जहाँ खाली जगह है वहाँ पे लगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, तो मैं समझता हूँ उससे काफ़ी अच्छा लाभ किसानों को मिल पाए। धन्यवाद सर आपका हम स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर।